अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रॉन्ग हैक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम तीन गैजेट्स का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सा गैजेट है वो है सोलर पावर बैंक का। कैपेसिटी इसकी कौन सी है वो 45,000 mAh की है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सा गैजेट है वो है USB LED लाइट। और तीसरे नंबर पे जो सा हमारे पास गैजेट है वो है USB फैन। और USB LED को आप अपने पावर बैंक के अंदर यहाँ पर जो सी की जो दो पोर्ट्स हैं इनके अंदर भी आप इंस्टॉल करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर लगा के भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पावर बैंक की उनकी प्राइस है, उसके फीचर्स हैं, वो हम बाद में इसको देखेंगे। तो इस पावर बैंक के साथ हमारे पास एक यूएसबी केबल, मल्टी यूएसबी केबल, जो कि आईफोन को भी लग सकती है और एंड्रॉयड डिवाइस जो होती हैं बाकी सैमसंग वगैरह उनको भी लग सकती है। और इसके साथ ही हमारे पास एक पाउच भी आता है जिसके अंदर बाद में हम इस पावर बैंक को यूज़ करके उसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके साथ में आप केबल भी इसकी इसी के पाउच के अंदर ही रख सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा गैजेट था हमारे पास वो है USB LED लाइट, जो ये आपने शायद पहले भी देखी हो। इसके पीछे एक लोहे की तरह की एक चिप लगी है जो कि हीट सिंक है, जो कि LED लाइट से जो सी हीट पैदा होती है तो वो पीछे की तरफ से उसको बाहर निकाल देता है ताकि LED लाइट आपकी ख़राब ना हो हीट की वजह से। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास जो सा गैजेट है वो है USB फैन। ये आप अपने लैपटॉप के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके पीछे की जानब आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, अपने लैपटॉप की तरफ आप इंस्टॉल कर लें इसको। और इसकी जो सी प्राइस है दराज पे वो है 450 के करीब, और अमेजोन पे आपको इसे थोड़ा सा अच्छा जो सा फ़ैन है वो आपको $10 के अंदर मिल जाएगा। और USB LED लाइट की उसी प्राइस है दराज पे वो है 50 रुपीज़ पाकिस्तानी। और दराज पे अगर सॉरी अमेजोन पे अगर आप इसको बाई करेंगे तो वो है $2 to $3, टू ऑलमोस्ट 1 to 2 to 3 डॉलर के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा आसानी से। तो अब हम अपने पावर बैंक को देखते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पीछे की जानी में आपको एक LED और पावर बटन देखने को मिलेगा, ऊपर की जानी में आपको दो पोर्ट्स मिलेंगी। और सोलर पावर बैंक का फ़ायदा ये है कि ये सोलर एनर्जी मतलब सूरज की रोशनी से भी चार्ज हो जाता है, और दूसरा अपने मोबाइल चार्जर नॉर्मल जो मोबाइल चार्जर है उससे भी ये चार्ज हो जाता है। तो सामने की जानिब आपको दो सोलर प्लेट्स मिलेंगी, और इसकी बिल्ड क्वालिटी लेदर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये मुकम्मल डस्ट प्रूफ भी है और ये वाटर प्रूफ भी है। सोलर पावर बैंक वाटर प्रूफ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोलर एनर्जी से चार्ज करते वक्त बारिश आ जाए तो आपका सोलर जो सा पावर बैंक है वो ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको कुछ LEDs नज़र आ रही हैं, तो ग्रीन कलर की कौन सी LED अभी ऑन हो जाएगी जब मैं इसको इसके कवर को हटाऊंगा। ये ग्रीन कलर की LED ऑन होगी, इसका मतलब है यहाँ पे चार्जिंग इसकी शुरू हो गई है। उसके बाद जो सी ब्लू कलर की LED है वो इसकी कैपेसिटी को शो कर रही है कि कितना चार्ज हो गया है। ये देखिए, जब मैं इसको बंद करता हूँ इसके कवर को तो ये सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो इस सोलर पावर बैंक को आप सूरज से भी चार्ज कर सकते हैं, और अपने यू से नॉर्मल चार्जर है मोबाइल का आप उससे भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने LED यूज़ किया इस पर लगाई है, तो इसकी LED को भी आप चेक कर सकते हैं, और दराज पे आप इसको बाय कर सकते हैं और अमेजोन पे भी। और उसके बाद मैं आपको USB फैन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा इस पावर बैंक के अंदर ही। काफ़ी फ्लेक्सिबल फ़ैन है, और इसको मैं आप पावर बैंक के अंदर इंस्टॉल करूँगा। देखें, इंस्टॉल हो चुका है USB फैन सोलर पावर बैंक के अंदर। तो पीछे की जानी इसकी LED भी ऑन हो चुकी है। इसको आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये बार बार रिफ्लेक्ट करेगी, और इसी तरह इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी हैं। उसके बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसके पाउच के अंदर आपको डाल के दिखाता हूँ। और इसी पाउच के अंदर आप इस पावर बैंक को भी डाल सकते हैं, और इसके साथ जो उनसे USB केबल है आप उसी को भी इसके अंदर ही डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।